गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे लिबर्टी या स्वतंत्रता की। लिबर्टी क्या है, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, हमारे जीवन में इसका क्या एक अस्तित्व है, इस सारी चीज़ों की आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि स्वतंत्रता का जो शब्द है वो कैसे आई शब्दावली, तो ये जो लिबर्टी वर्ड है, ये दिस द वर्ड लिबर्टी इज़ डिराइव फ्रॉम द लाइबर वर्ड, यानी कि जो लाइबर जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से आया है और जिसका अर्थ होता है फ्री फ्रॉम ऑल शैकल्स, यानी कि सभी बंधनों से अभाव। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि लिबर्टी का अर्थ यानी स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। तो या और यहाँ पर लिबर्टी का अर्थ ये है कि वो अधिकार, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिसके आधार पर हम अपने जीवन को का जो व्यक्तित्व है, जीवन को एक नई दिशा दे सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। और हम सभी जानते हैं कि जब तक हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, जब तक हमको लिबर्टी नहीं मिलेगी, तब तक हम अपने जीवन का जो एक लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन में हम अपना डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे। और यानी कि जो फ्रीडम है वो हमारे लिए काफ़ी प्रीशियस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें अगर इसके परिभाषा की, तो यहाँ पर लॉक का एक कोटेशन है, देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो फ्रीडम, देयर इज़ नो लिबर्टी, यानी कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है। तो यानी कि कानून और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कानून अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्वतंत्रता के प्रोटेक्शन के लिए ही है। और यहाँ पर अगर स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना है तो कानून का होना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ग्रीन जो है वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है, यानी कि स्वतंत्रता हमको मिलनी तो चाहिए लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ लिमिटेशंस के साथ, कि हम ऐसा ना हो कि हम अपनी लिबर्टी जो हमें मिली हुई है उस लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए हम किसी दूसरे की लिबर्टी को भी वॉयलेट कर सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बात करें तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक तरफ बात होती है नकारात्मक स्वतंत्रता की और एक तरफ बात होती है नकारात्मक स्वतंत्रता की और सकारात्मक स्वतंत्रता की। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो सपोर्टर हैं, जो एक्सपोनेंट हैं, वो हैं एम क्रस्टन, बर्लिन, मिल्टन फ्राइडमैन और मिल। और जो सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी के जो एक्सपोनेंट हैं वो हैं रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, बार्कर एंड लास्की। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी है इसके एक्सपोनेंट तो हम लोगों ने देख लिए, पर हम यहाँ पर अब ये देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसके बीच में अंतर क्या है। सकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो ये बात करता है कि व्यक्ति फ्री है, व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए फ्री है। यहाँ पर जो जेस मिल है वो निगेटिव लिबर्टी की जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि एवरी पर्सन हैव टू टाइप ऑफ फंक्शन, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो दो तरीके के कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो तरीके के कार्य होते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग फंक्शन। तो यहाँ पर जेस मिल ये कहते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग फंक्शन में अगर एक व्यक्ति मान लेते हैं कि अगर एक बंद कमरे में बहुत तेज म्यूजिक सुन रहा है तो वहाँ पर उसको स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर वो कुछ एक्टिविटी ऐसे कर रहा है, मान लीजिए कि वो अगर सिगरेट पी रहा है अगर एक बंद कमरे में, तो यहाँ पर स्टेट उसको नहीं रोकेगा। लेकिन अगर यही एक्टिविटी अगर वो पब्लिक प्लेस पे करे कि बहुत तेज़ से वॉल्यूम में गाना सुने, या ईयरफोन लगाकर वो बाहर बाइक पे बैठा है या गाड़ी में बैठा है, या वो हॉर्न बजा रहा है हॉस्पिटल के सामने, आपको जैसे पता है कि हॉस्पिटल के सामने हॉर्न बजाना मना होता है, तो सेम यही काम अगर एक बंद कमरे में कर रहा है तब तो वहाँ पर स्टेट उसको नहीं रोकेगा, क्योंकि सेल्फ रिगार्डिंग जो वो काम कर रहा है, जो स्व संबंधी कार्य कर रहा है, उससे केवल वही प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर यही कार्य वह अगर पब्लिक प्लेस पे कर रहा है जैसे तेज म्यूजिक बजाना, तो वहाँ पर स्टेट उसको रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी लिबर्टी का यूज़ तो कर रहा है लेकिन
दूसरे की लिबर्टी को वॉयलेट करने के साथ ही साथ। यानी कि जेएस मिल ने जो दो कॉन्सेप्ट बताए हैं, स्वसंबंधिकार और परसंबंधिकार, स्वसंबंधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, व्यक्ति का जो इच्छा वो कर सकता है, लेकिन वही कार्य करने से अगर दूसरे प्रभावित होते हैं तो वहाँ पर राज्य उसको रोकेगा, उसके में हस्तक्षेप करेगा। तो यानी कि निगेटिव लिबर्टी मतलब कि आपको लिबर्टी तो है लेकिन यहाँ पर स्टेट कुछ लिमिटेशंस लगा सकता है, आपकी उस लिबर्टी पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है, आपको रोक सकता है। तो ये है इन दोनों में अंतर। अगर हम बात करें कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के कितने काइंड्स हैं, कितने इसके प्रकार हैं, तो यहाँ पर 6 प्रकारों का वर्णन मैंने किया है। इसके अलावा भी एक दो प्रकार इसमें जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग इन 6 प्रकारों की बात करेंगे। पहला है नेचुरल लिबर्टी, दूसरा है सिविल यानी कि नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा है पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नेक्स्ट है पॉलिटिकल लिबर्टी यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, और लास्ट है नेशनल लिबर्टी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता ये होती है कि ये जो स्वतंत्रता होती है ये प्रकृति प्रदत्त है। ये स्वतंत्रता हमें जन्म लेते ही हमें मिल जाती है, और यहाँ पर व्यक्ति जो चाहे सो करे और उसके कार्य में कोई भी व्यक्ति जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ पर जो प्रोफेसर गिल क्राइस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इट इज़ अनसाइंटिफिक यूज़ ऑफ लिबर्टी, वो उसको साइंटिफिक नहीं मानते हैं। और नेचुरल लिबर्टी का मतलब ये होता है कि सभी प्रकार के बंधनों का अभाव, और यहाँ पर व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। और जॉन लॉक ने भी अपने प्राकृतिक अवस्था में भी ये प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात उन्होंने की थी। नेक्स्ट है पर्सनल लिबर्टी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये क्या होती है, ये कैसी स्वतंत्रता होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि वो स्थितियाँ जो कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसके जीवन में कोई और व्यक्ति जो है वह उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। जैसे हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल की ये डिज़ायर होती है कि वो ड्रेस, फूड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैरिज, एडुकेशन, ये सारी चीज़ों को अपने मनचाहे तरीके से करे। तो यहाँ पर ये जो उसके पर्सनल मैटर है वहाँ पर स्टेट को भी ये राइट नहीं है कि इंडिविजुअल के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे। अगर कोई अगर वो किसी और के लिबर्टी में अगर वॉयलेट नहीं करता है, किसी और के लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं करता है, तो यानी कि हमारे कुछ राइट, कुछ व्यक्तिगत अधिकार हैं जो हमें चाहिए। जैसे आर्टिकल 21 में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 21 में भी राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की भी कुछ प्राइवेसी होती है, और वो वहाँ पर चाहता है कि हमें जो है वहाँ पर कोई भी उसके अंतर्गत कोई भी इंटरफेयर न करे, हस्तक्षेप न करे। नेक्स्ट है सिविल लिबर्टी यानी कि नागरिक स्वतंत्रता। ये क्या होती है, सिविल लिबर्टी का मतलब होता है वो सारी चीज़ें, वो सारी परिस्थितियाँ जहाँ पर एक व्यक्ति जो है अपनी अपनी लाइफ को पूरी तरीके जी सके। और जो नागरिक स्वतंत्रता है उसमें व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति का अधिकार, भाषण का अधिकार, लेखन का अधिकार, धर्म का अधिकार इत्यादि। और यहाँ पर जिस भी कंट्री में जो सिविल लिबर्टी है वो जितना अधिक मिलता है, स्टेट उतना ही डेमोक्रेटिक होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर नागरिकों को अधिक से अधिक अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो वह भी अपने देश के प्रति अपना एक भक्ति भाव रखेगा, और उसके अंदर अपने देश के प्रति एक आदर सम्मान की जो भावना है वो भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर जो सिविल लिबर्टी है वो गारंटिड होती है लॉ के द्वारा, यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी इज गारंटेड बाई द लॉ ऑफ द स्टेट। और यहाँ पर जो इंडिया है और अमेरिका है, जैसे जैसे देश हैं वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर जो सिविल लिबर्टी है उसको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। आपको जैसे पता है कि जो भारत में अगर व्यक्ति के जो अधिकार हैं जो पार्ट 3 में हैं, वहाँ पर भी स्टेट जब चाहे तब मनमाना उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही लगा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल लिबर्टी यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता।
ये राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है? इट्स मीन्स लिबर्टी ऑफ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल लाइफ एंड अफेयर ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल लिबर्टी के बारे में लास्की ये बताते हैं कि ये एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने राज्य संबंधी जितने कार्य हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें रुचि ले सकता है, और इसके साथ ही साथ वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना शासक चुन सकता है, अपनी गवर्नमेंट चुन सकता है। तो पॉलिटिकल लिबर्टी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस समय विश्व के जितने भी देश हैं वो सारे देश जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, और लोकतंत्र की सफलता तभी संभव हो पाएगी जब वहाँ के नागरिकों को पॉलिटिकल लिबर्टी मिल सकेगी। तो ये जो पॉलिटिकल लिबर्टी है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, इसको हम चार भागों के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला है राइट टू वोट यानी मत देने का अधिकार, दूसरा है निर्वाचित होने का अधिकार, और तीसरा है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो आपको अधिकार है कि आप सरकार की आलोचना कर सकें, और अगर आप में योग्यता है तो आप कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी एक पॉलिटिकल लिबर्टी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। ये क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में हम देख सकते हैं कि लास्की ने बहुत अच्छा डिफाइन किया है अपनी बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक लिबर्टी जो है, आर्थिक स्वतंत्रता है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिक्योरिटी है, ये एक तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी रोजी रोटी को किस तरीके से अपना जीविका जो या जीविका उपार्जन के लिए वो कुछ भी कर सके। तो यानी कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपना कोई रोजी रोटी कर सके, अपना कोई काम कर सके, और जिस भी क्षेत्र में वह अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहे वो कर सकता है। और इस क्षेत्र में भी दो तरीके की बात की गई है, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक ये है कि मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो किसी भी प्रतिबंध से न बंधी हो, लेकिन आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता की जो सकारात्मक है उसमें ये बात की गई है कि समाज का ढांचा ऐसा ना हो जिसमें अमीर और अमीर होता चला जाए, गरीब और गरीब होता चला जाए। यानी कि यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात की गई है कि स्टेट का ये कर्तव्य है कि वो देखे कि रिच और रिच ना होते जाएं और गरीबों का शोषण ना हो, जिसकी बात हमने कार्ल मार्क्स के थ्योरी में भी पढ़ी है। यानी कि जो स्टेट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो दोनों में बैलेंस बनाकर चल सके। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करें यानी नेशनल लिबर्टी की, तो नेशनल लिबर्टी क्या है? यहाँ पर नेशनल लिबर्टी का मतलब ये है कि जहाँ पर नेशन जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो और सॉवरन हो। यहाँ पर नेशनल लिबर्टी का मतलब ये है कि नेशनल लिबर्टी होने के कारण ही जो स्टेट है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होगा ताकि वो अपने नेशन के प्रोग्रेस कर सके, और ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि वह कंट्री जो है वह सॉवरन न हो, इंडिपेंडेंट न हो, स्वतंत्र न हो। यानी कि सॉवरन होना बहुत ज़रूरी है। इसका संप्रभुता का जो मतलब ये है कि जैसे कि ब्रिटिश भारत था, तो ब्रिटिश भारत के बारे में जितने भी डिसीजन लिए जाते थे वो ब्रिटिशर के द्वारा लिए जाते थे, लेकिन अब हम इंडिपेंडेंट, अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। अब हमें अपने आंतरिक मामले में कोई डिसीजन लेना हो या बाह्य मामले में, तो इंडिया किसी और कंट्री से पूछ कर कुछ नहीं करेगा, वो सॉवरन है। यानी सॉवरन यानी संप्रभुता, भारत एक संप्रभु देश है, और एक नेशनल लिबर्टी होने के कारण कोई भी कंट्री अगर सॉवरन है, इंडिपेंडेंट है, तो अपने मामलों में वो खुद डिसीजन ले सकती है। एक और लिबर्टी की हम यहाँ बात करेंगे, सोशल लिबर्टी की। सोशल लिबर्टी का क्या मतलब है? कि सोसाइटी में प्रत्येक तरीके के व्यक्ति होते हैं और सोसाइटी जो है वह एक समान नहीं होती है। हर तरीके के व्यक्ति यहाँ पर होते हैं, कोई अब कास्ट के आधार पे या इकोनॉमिक आधार पे अगर हम देखें तो हर जगह हमें वैरायटी दिखेगी, हमें कोई भी इक्वल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर सोशल लिबर्टी का मतलब ये है कि अगर कोई कास्ट के आधार पर, अगर कोई नीचे कास्ट से बिलोंग करता है या आर्थिक आधार पर अगर कोई गरीब है तो उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम जाति के आधार पर कमज़ोर हैं या धन के आधार पर कमज़ोर हैं एक्सेट्रा। तो समाज का ये कर्तव्य है कि वह कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाएं कि सोसाइटी में कोई भी किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न कर सके। इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो हमें अनुच्छेद 17 यानी 17 में देखने को मिलता है।
है जहाँ पर प्रोहिबिशन लगाया गया है कि कास्ट के आधार पे कोई भी किसी के साथ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑन अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कोई व्यक्ति चाह कर भी किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकता है, और ये हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, और फंडामेंटल राइट होने के नाते कोई भी किसी के खिलाफ केस कर सकता है। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।